अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिमी और आप देख रहे हैं मेरी दिल की बातें, सुन रहे हैं मेरी दिल की बातें, है ना। जो मेरे दिल में आता है, बस अच्छी अच्छी बातें जो मेरे दिल में आती है मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये कोई वाज़ नसीहत तो नहीं है, इसको मैं तो ये नहीं कहूँगी, बस मैं ये कहूँगी कि जो मेरे दिल में, जो मेरी ज़िंदगी में, जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ऐसी बात आती है जो मुझे लगता है कि आपसे मुझे शेयर करनी है, तो बस मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है ना। बस सादा सादा सी नेचुरल सी बातें। तो आज थोड़ी देर हो गई, अब काफ़ी सूरज ऊपर आ गया, गर्मी भी हो गई है, तो मैंने ना आज थोड़े से कुछ काम करने थे जो मैंने कहा मैं कर लूँ। सोचा था आज वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर आपको पता है कोई ना कोई बात आ जाती है तो फिर बात करनी पड़ जाती है। मैंने अभी क्या काम किए हैं, एक तो मैं अपना कमरा ख़ुद साफ़ करती हूँ, अजीब मसले बने रहते हैं, फिर अगर किसी से करवाओ कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है, तो अपना कमरा अपना बाथरूम अगर ख़ुद साफ़ करें ना, तो मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि ज़िंदगी में सुकून है, कोई चीज़ नहीं गायब होगी, और रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने कमरे में क्या गंद मचता है, तो अगर बच्चे हैं तो फिर वो अलग बात है, लेकिन उनको भी पाबंद बनाएं कि वो आपकी हेल्प करें। ये जो काम वाले घुस जाते हैं और फिर कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है ना, फिर वो बस मिलती नहीं है, और वो कहेंगे हमने तो उठा ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे। तो एक तो मैंने ये काम किया, दूसरा मैंने हंडिया बनाई, क्या बनाई, चने की दाल बनाई है, और क्या किया है, आलू की भुजिया के लिए अभी मैंने काट के रखे हैं, आलू कटवाए हैं, और चिकन बाहर है, आज मेरी बेटी कह रही थी मैं बनाऊँगी, है ना। तो बहू के होते हुए बेटी भी बना ले तो क्या है, बस क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिसने भी बना लिया, बहू भी बेटी, बेटी भी बेटी, तो क्या है इसमें, है कोई मसला है। हाँ मुझे बताएं, बेटी ने रात को मुझे कह दिया था मामा सुबह मैं बनाऊंगी, मैंने कहा ठीक है, मैंने उसके लिए चीज़ें तैयार कर दी हैं, और दाल गला के रख दी है, आलू काट के रख दिए हैं, चिकन बाहर पड़ा हुआ है, सब कुछ सेट है, अब वो आएगी तो बना लेगी। मैंने अपना कमरा साफ़ कर लिया है, कपड़े सारे धोने के लिए उस लड़के को दे दिए हैं, अब्बू को भी आज नहलाना है, वो काम भी कर रहा है वो, तो देखो ना मिलजुल के होता है माशाल्लाह जब लोग ज़्यादा हों। ये बहू बेटी की तफरीक जो है ना, ये ज़िंदगी में ना करें, बहुत सुकून रहेगा, बहुत सुकून रहेगा। अब मैं कैसे आपको कहूँ कि मैं तो कोशिश करती हूँ बहुत। असल में जो मैंने ये वीडियो बनाई उसका मकसद ये था कि मैं ये बताऊँ सासों को कि प्लीज़ सास ना बने, अब वो पुराने ज़माने नहीं रह गए, ठीक है ना, बिल्कुल तंग ना करें। एक बेटी ने मुझे मैसेज किया है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर आप लोग सर्च करें शायद आपको मिल जाए, मुझे मिल नहीं रहा था, पहले मैंने सोचा मैं उसका नाम ढूंढ के बताऊँ, फिर मैंने कहा हो सकता है वो बच्ची चाहती ना हो कि आप सबको भी उसका नाम पता चले, तो फिर सीगे राज में ही रहने देते हैं। लेकिन उस बच्ची ने ये कहा है कि सासों को भी तो समझाएं ना कि वो बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करें। तो देखें, मैंने तो कल भी यही कहा था कि ये बेटी होती है किसी की, बहुत प्यार से पाली होती हैं हमने बेटियां। आपको पता है मुझे ना अपनी बहू की अम्मी की बात बहुत याद आती है, और कई कई दफ़ा याद आती है। वो उसने मुझे ना रुखसती के वक्त कहा था कि सीमी मेरी बेटी का ख्याल रखना रोते हुए, मुझे वो नहीं भूलती, मुझे वो भूलती ही नहीं है। ख्याल तो मैंने वैसे भी रखना ही था, लेकिन इस बात से तो मैं और ज़्यादा सोचती हूँ कि उसकी बेटी है तो उसको कितनी प्यारी, तो मुझे भी बहुत प्यारी है, जानू है, इतनी प्यारी वो बच्ची है जिसकी कोई हद नहीं है। और एक बात मैंने उसको कही है, मैंने कहा अगर ये बेटे ने कभी कोई तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की ना, तो तुमने मुझे बताना है, बिल्कुल मैंने उसको ये क्लियर कह दिया। बेटा बैठा हंस रहा था, सास कहती है ऐसे, सास क्यों नहीं कहती, सास को कहना चाहिए कि तुमने भी मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक नहीं करना और मैंने भी नहीं करना। बहुत बुरी बात है किसी की बच्ची के साथ बुरा सलूक करना, उसको डांटना, उस पर काम का बोझ डाल देना, वो उठेगी तो ही खाना बनाएगी, मैं भी बैठी हुई हूँ, वो आएगी तो ही मुझे नाश्ता देगी। अल्लाह मियाँ ने हाथ किस लिए दिए हैं, टांगे किस लिए दिए हैं, सलामत हैं आप लोग, खुद उठ के काम करें प्लीज़। मुझे देख ले, मैं सुबह की उठी हुई हूँ, नमाज के टाइम की, सारे काम अपने कर लिए, घर मेरा इस वक्त तक सट सुट हो चुका है, बच्चे ज़रा भी
देर से उठ के नमाज़ें ज़रूर पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। मैंने कहा चलो छुट्टियां हैं आजकल, मज़े कर रहे हैं, करें अपने अपने कामों पे, जहां हैं वहां जाते हैं तो करते हैं, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। यूं नहीं मैंने घूर के देखना कि अच्छा ये मेरी बहू अब उठी है, ये कोई टाइम है उठने का? ये तो बड़ा गलत है। अपने बेटे को समझाएं, ये तरबियत है, मैं तो यही कहूँगी कि ये तरबियत है और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो बेटी समझें, बहू बेटियाँ सांझी हैं, और बेटे को भी कहें। अभी मेरी एक फ्रेंड है बहुत पुरानी, उसके बेटे की शादी हुई, एक ही एक बेटा है, तो मुझे कहती है बहू को मैंने कह दिया है इस बेटे का बहुत ख्याल रखना है, इसको मैंने बड़े नाजो नखरे से पाला है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटे को कहो कि बहू का ख्याल रखे, वो किसी घर से अपना घर छोड़ के आई है। ये मैंने उसे कहा तो आगे से चुप कर गई, कहती हाँ। तो ये आप लोग ही कहेंगे ना, आप लोग आगे से बताएंगे, अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, हाँ जी हमारी बहू तो ऐसी है, और आप बीच में, ये तो गीबत है, बहू के बारे में आप गीबत करेंगे, ठीक है? अपनी बीवी के बारे में भी लोग गीबत करते हैं, कितना गुनाह है। अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है ये, लेकिन बीवियों को भी नहीं छोड़ते जिन्होंने उनके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी होती हैं, बच्चे पैदा किए, पाल पोस के बड़ा किया, उनको तालीम और तरबियत दी, सब कुछ किया। हर बीवी अपनी कैपेसिटी में, हर बहू अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकती है वो करती है। हमको ऐसा ही बनाया है अल्लाह मियाँ ने। तो बेटियों की कदर करें, बहुओं की कदर करें। मैंने एक जगह बड़ी अच्छी कोई बात पढ़ी थी कि वो बात जो आपकी सास ने आपके साथ किया, या वो काम जो उन्होंने किया है और आपको अच्छा नहीं लगा, आपने वो बहुओं के साथ नहीं करना। इतना अच्छा ये क्राइटेरिया है कि जो बात आपको बुरी लगी थी या लगती है वो आपने आगे नहीं करनी। अब तो हमारी माएँ तो बदल गई हैं, हमारी माएँ अब थोड़ी वैसी नहीं हैं, ये थोड़ी पुरानी सासें थीं, यानी कि मेरे से पहले वाली सासें। मेरा तो ख्याल है कि अब हमारी वाली जनरेशन जो है उसकी सासें बदल गई हैं और बदल जाना चाहिए। अपने बेटों को अच्छी तरबियत दें, अपने बेटों को अच्छी तरबियत दें, अपने बेटों को अच्छी तरबियत दें, वरना तो सब कुछ तबाह है। ये ना सोचे कि शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगर बेटे में कोई मसले मसाइल हैं ना, उसको पहले ठीक कर लें और मालूम करें कि बेटे में क्या मसले मसाइल हैं, ठीक है ना? और आप में क्या मसले मसाइल हैं। बेटियों को रोलें ना, ना रोलें, उनसे प्यार मोहब्बत करें। ये हैं ही प्यार और मोहब्बत के लिए बनी हुई, मासूम सी होती हैं, इतना सा उनका कलेजा होता है, इतनी नाजुक सी, ज़रा सा ऊंचा बोलो तो डर जाती हैं, है ना? बहुएं तो बेचारी फिर कुछ कहती भी नहीं है, अपने ऊपर सहती रहती हैं। बीवियां भी अपने ऊपर सहती रहती हैं, कोशिश करती हैं, लेकिन क्या है, ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, इसी वक्त भी यूं करके फड़ुक करके हमने चले जाना है इस दुनिया से। तो जो हमारे इर्द गिर्द हैं हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अल्लाह हमसे पूछेगा, अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे अगर हमने लोगों के साथ ये सलूक किया। मेरा ख्याल है इसमें एक हसद का एलिमेंट भी है ना? ये बेटा जो है ना, ये मेरा था, ये बेटा सब कुछ मेरे लिए करता था, ये अगली वाली सीट पे जो है ना, ये मेरे साथ बैठता था तो मुझे बिठाता था, तो अब ये आ गई है तो इसने तो मेरी जगह ले ली है। भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपने बेटे की अच्छी तरबियत की है तो बेटा आपको भी उतनी ही इज्जत और मान देगा, उतना ही ख्याल रखेगा जितना वो अपनी बीवी का रखता है। और रखना चाहिए, बीवी का ख्याल और बहू का ख्याल दोनों का रखना चाहिए। मुश्किल है इंसाफ, लेकिन अगर आपने अपने बेटे की तरबियत सही की है तो यकीन माने बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो बेटों से और बेटियों से हसद ना करें। दामाद भी अपने बेटे हैं, दामाद को भी प्यार दें। दामाद ने आपकी बेटी को रखा हुआ है प्यार से ना, तो उसके दिमाग में गलत बातें ना बोएं बेटी के कि उसने ये नहीं किया, वो आया नहीं, उसने फ़ोन नहीं किया, उसने फलाना काम नहीं किया। कोशिश करें, इंसान तो कोशिश ही कर सकता है। हम लोग जो है इंसान है ना, हमारे में भी बहुत गलतियाँ, मेरे में भी बहुत गलतियाँ हैं,
लेकिन कोशिश तो जारी रहनी चाहिए, बस कोशिश करें और फूलों से खेलें और जो फूलों की खुशबू है वो आपके किरदार में नज़र आए, आप में नज़र आए, तो और मैं क्या कहूँ। बेटियों का ख्याल रखें, बहुओं का ख्याल रखें, खिल जाती हैं उनका कोई ख्याल रखता है ना। तो बस यही मैंने बात कहनी थी कि अब ये जहाज़ आ रहा है, इसमें भी कोई बहू बेटी आ रही होगी, है ना, तो आ रही है तो बस इसका ख्याल रखें, जितना आप कर सकते हैं वो तो करें ना। हाँ, अगर किसी वजह से नहीं कर सकते तो बेटियों को और बहुओं को चाहिए माफ़ कर दें, मुझे भी माफ़ कर दें अगर मैंने कोई ऐसा गलत रवैया किसी के साथ किया है। आज मैं ऑन स्क्रीन माफ़ी मांग रही हूँ सबसे, मुझे माफ़ कर दें, सब माफ़ कर दें अगर मैंने गलत किया है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, हो जाती है मुझसे गलती, और कभी कभी इंसान पता नहीं किन सोचों में होता है और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देता है। तो बस और ज़्यादा लंबी बात नहीं, बहुत लंबी बात हो गई, बस बहुओं का ख्याल रखें, बहू बेटियों का ख्याल रखें, बेटों का भी ख्याल रखें, दामादों का बेटों का भी ख्याल रखें, और सुने उन्हें अगर वो कुछ कहते हैं तो, है ना, और बहुओं के बच्चों का ख्याल रखें, तो आपके अपने प्यार दें उन्हें, बस सिर्फ प्यार चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट है, आपको मैं बताऊँ, ये इन्वेस्टमेंट है। कई लोगों की जो है ना सासें अलग अलग रहती हैं, उनके पास जाती ही नहीं बहुएँ, उनके लिए खिदमत कुछ करती नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया होता। तो ये जो प्यारों मोहब्बत है ना, ये इन्वेस्टमेंट है। अब मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, आगे वो मेरा ख्याल रखेंगे, बहू भी देख रही है ना, तो मैं उसका ख्याल रखूँगी, तो कल को मुझे ज़रूरत पड़नी है, क्यों नहीं पड़नी, अल्लाह करे ना पड़े, लेकिन पड़नी है। आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रहे हैं हम लोग, मुझ में हिम्मत बहुत कम हो गई है, तो फिर ये बुज़ुर्ग तो 80-80 साल के हैं, इनको भी हमने देखना है और जवानों को भी देखना है, हम जो दरमियानी उम्र वाले हैं ना, सबको देखेंगे और कोशिश करेंगे जब तक हम देख सकते हैं देखेंगे, तो देखते रहें। मुझे किसी ने कहा था आप छोटी वीडियो बनाती हैं, मैं छोटी वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, छोटी एंड प्रिसाइज बात, लेकिन थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी मैं सेंटिमेंटल हो गई। तो चलें आज से कोशिश करें, बहू को नाश्ता बना दें, बहू को क्या आज तुम किचन में नहीं जाती, आज बहू डे मनाएं, आज बहू का यस डे मना लें, क्या फ़र्क पड़ता है, आज जो बहू ने करना था ना आज वो आप करें, बहू भी हैरान हो जाएगी यकीन करें, और खुश भी बड़ी होगी, तो ट्राई तो करें सीरियसली, है ना, आइडिया अच्छा है ना, किसी के जहन में कभी आया था बहू डे मनाने का, चलें मैंने आइडिया पेश कर दिया। चलें फिर खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, और फूलों में खेलें और खुशबुएं बिखेरें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।